मेरे मामा अभी तक घर वापस नहीं आए। मेरी मम्मा तो हमेशा कहती हैं कि बेटा शाम होने से पहले ही अपने घर वापस लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बताते कि मेरी मम्मा कहाँ है? कि मेरी मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? कवे अंकल, आप तो मेरी मम्मा के साथ कहते हैं ना, प्लीज आप मुझे बता दें कि मेरी मम्मा कहाँ है। मेरे ख्याल से आप सोनू को सच सच बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, तो बच्ची है, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतना बड़ा झटका। मेरे ख्याल से उसे यही बताते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भटक गई होगी, कल तक वापिस आ जाएगी। लेकिन फिर कल क्या बनेगा, इसी पता तो चल ही जाएगा। लेकिन कल बताना ही बेहतर है। सुनो बेटा, तुम्हारी मम्मा और हम सब दाने की तलाश में दूसरे जंगल निकल गए थे। वापसी पाते आंधी शुरू हो गई, तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई, हम में से किसी को पता नहीं चला। तुम परेशान मत होना, वो कल तक वापस आ जाएगी। क्या तुम्हारे पास खाने को कोई दाना है? अगर नहीं है तो हम भेज देते हैं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा तो कौवे मियाँ, मैं तो चलता हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और उल्लू वापस अपने घर चला गया। तमाम पक्षी छोटी सोनू चिड़िया को ये बता नहीं रहे होते कि उसकी मम्मा को तो सदन चील ने पकड़ के खा लिया है। आज रात तुम सोनू को अपने घोंसले में ले जाओ, ये अकेले में रहेगी। तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे दो बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम ले जाओ, तुम्हारा घोंसला भी मेरे घोंसले से बड़ा है। ऐसा कहते हुए तो तभी वापस अपने घर चला जाता है। कौवा जो के साथ वाले पेड़ पर ही रहता था, उसे सोनू से बाकी पक्षियों से मोहब्बत भी ज्यादा थी, लेकिन वो भी सोनू चिड़िया को अपने साथ ले जाने पर राजी ना था। अब मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी आंटी इंतजार कर रही होगी, कल सवेरे मैं फिर आऊंगा। सोनू चिड़िया अकेली रह जाती है। मम्मा, आपके बगैर मुझे डर लगेगा, मैं कैसे अकेली रात गुजारूंगी। और फिर रात हो जाती है। सोनू चिड़िया अपने दिल में अपनी मम्मा का ख्याल लेकर रोती रहती है। पता नहीं क्यों मुझे कौवा सच नहीं बता रहा मेरी मम्मा के बारे में। रोते रोते इसकी हिचकी बन जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मम्मा तुम आ जाओ ना, प्लीज मम्मा। सोनू, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा, आप मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई हूँ। मुझे आज एक जालिम चील ने पकड़ कर खा लिया है और अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ। और अब तुम्हें हौसला करना होगा और खुद से जीना सीखना होगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना कहो, ऐसा कैसे हो गया है? अब मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, अब मैं चलती हूँ। मम्मा, मम्मा। और सारी रात सोनू रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती है।